हेलो दोस्तों, एम आई एक्चुअली द स्ट्रॉन्गेस्ट के बिल्कुल एपिसोड पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एम आई एक्चुअली द स्ट्रॉन्गेस्ट के एपिसोड नंबर 7 के बारे में। ब्लू ड्रैगन को एडवेंचरर्स के हाथों से बचाने के बाद हारुटो लीजा को लेकर अपने घर पे आ जाता है। घर पे आने के बाद वो सबसे पहले अपने फादर को लीजा से इंट्रोड्यूस करवाता है। लीजा यहाँ पर एक मेड की तरह इस घर पे काम करना चाहती थी। लीजा को देखकर यहाँ पर शार और उसके साथ साथ शार की मॉम काफी ज्यादा एक्साइटेड थी और शार खुद को लीजा को इंट्रोड्यूस करती है। शार बोलती है, आई होप कि हम लोग एक साथ मिलजुल कर रह पाए। लीजा बहुत ही नर्वस थी। लीजा बोलती है, जरूर। एक ड्रैगन के साथ इतना अच्छे से बर्ताव करते हुए देखकर हारुटो के डैड बोलते हैं, ये असल में एक ड्रैगन है और तुमने उसको अपना सर्वेंट भी बना लिया। ठीक है, मैं और कुछ नहीं बोलूंगा। जब तक वो कोई भी प्रॉब्लम खड़ी नहीं करती तो सब कुछ ठीक है। इसके नेक्स्ट दिन से लीजा घर के काम पे लग जाती है। फिर यहाँ पर लीजा को घर का सब काम सिखाने लगती है और लीजा ध्यान से सुनते जाती है। साफ सफाई करने से शुरू होकर बर्तन माँजने तक खाना बनाना सब काम यहाँ पर लीजा करती है और लीजा के हाथ से खाना खाकर घर के सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। खाने के टाइम यहाँ पर शार के मुंह पे कुछ लगा हुआ देखकर लीजा शार की हेल्प भी करती है। तभी यहाँ पर शार की मॉम बोलती है, वाह लीजा, तुम तो बहुत अच्छा काम कर लेती हो। लीजा बोलती है, ये तो इसलिए है क्योंकि सभी ने मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से सिखाया है। तभी शार की मॉम बोलती है, इसके अलावा तुम्हारा कोई और हॉबी है क्या? लीजा बोलती है, मुझे पढ़ना बहुत ही पसंद है और मेरे पास एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैजिक भी है। तभी इसके बाद शार की मॉम बोलती है, तो शार के पजल मेड बनने के बारे में क्या ख्याल है? लीजा सोचती है, क्या मैं मिस शार का पर्सनल मैट? ठीक है, मैं अपना बेस्ट करने की कोशिश करूंगी। इसके नेक्स्ट दिन से लीजा शार की पर्सनल मेड बन जाती है और शार के हर एक काम पे मदद करती है। उसके साथ साथ वो उसको मैजिक भी सिखाने लगती है। हारुटो यहाँ पर शार और लीजा के मैजिक प्रैक्टिस को देख रहा था। तभी इसके बाद शार बोलती है, ओनीचान ये देखिए, मैंने फायरबॉल सीख लिया। हारुटो सोचता है, वाह, बस कुछ दिनों में ही शार ने इतना बड़ा फायरबॉल बनाना सीख लिया। लीजा बहुत ही टैलेंटेड है, वो शार का एबिलिटी बाहर निकाल रही है। तभी यहाँ पर हारुटो नोटिस करता है वहाँ पर एक वाटर बॉल भी था। हारुटो जब उस वाटर बॉल के बारे में लीजा से पूछता है, लीजा बोलती है, मैं एक्चुअली में कपड़े धो रही थी। कपड़े धोने का इस मेथड को देखकर हारुटो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और वो मन में सोचता है लीजा बहुत ही एफिशिएंट है और वो काफी टैलेंटेड भी है। हारुटो बोलता है, क्या तुम इससे थक नहीं जाती? लेकिन लीजा बोलती है, नहीं मास्टर, मुझे एक्चुअली में ये सब करने में बहुत ही मजा आता है। तभी इसके बाद शार बोलती है, लीजा क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? लेकिन लीजा बोलती है, नहीं माई लेडी, मैं आपका यहाँ पर सेवा करने के लिए आया हूँ। लेकिन तभी शार लीजा के हाथ पकड़ के बोलती है, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों दोस्त बने। लीजा बोलती है, क्या दोस्त? इसके बाद हारुटो बोलता है, तुम्हें जो पसंद है तुम वो कर सकती हो लीजा। इसके बाद लीजा भी बोलती है, मैं भी लेडी शार्लेट, मैं भी आपका दोस्त बनना चाहता हूँ। हारुटो पर शार के लिए बहुत ही ज्यादा खुश था क्योंकि शार को अपने एज के आसपास एक बहुत ही अच्छी दोस्त मिल गई थी। तभी पर हारुटो के दिमाग में आता है, हाँ लीजा, मे बी वो मेरी मेड बन सकती है। लेकिन तभी उसके दिमाग में आता है, नहीं मैं ये नहीं कर सकता, अगर मैं उसको अपना अटेंडेंट बना लूं तो शार और लीजा का दोस्ती ज्यादा टिक नहीं पाएगा। लेकिन तभी हारुटो को याद आता है कि उसके पास टेलीपोर्टेशन मैजिक है और जब वो स्कूल जाएगा अगर तब वो लीजा को वहाँ पर लेकर जाए और इसके बाद लीजा को वो शार के पास छोड़ जाए तो ऐसे काम बन सकता है। इसके बाद हारुटो फाइनली जाकर डिसाइड करते कि वो यही स्ट्रेटजी फॉलो करेगा। इसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है शार यहाँ पर हारुटो के नए घर पे एनिमे देख रही थी और शार का फेवरेट एनिमे शो खत्म हो चुका था, इसलिए शार बहुत ही ज्यादा डिप्रेस दिख रही थी। हारुटो बोलता है, मैं श्योर हूँ नेक्स्ट वीक वो शो फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तभी लीजा बोलती है, लेडी शार हम लोगों को जाने का वक्त आ चुका है। इसके बाद जाने से पहले हारुटो बोलता है, अरे शार मैं तुम लोगों को बताना ही भूल गया, नेक्स्ट वीक से मैं रॉयल कैपिटल पे स्कूल पे जाने वाला हूँ। इस बात को सुनकर शार बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। तभी वो लीजा को बोलती है, लीजा मेरे स्केड्यूल पे आज जो जो है सबको कैंसिल कर दो और सभी नाइट्स को समन करो, अभी के अभी एक राउंड टेबल मीटिंग बुलाया जाए। इसके बाद फ्ले, शार, लीजा और उसके साथ साथ कंगाल का बॉस और उसके साथ साथ गोले मॉन्स्टर सभी लोग एक साथ एक जगह इकट्ठा होते हैं हारुटो के स्कूल जाने के बारे में डिस्कस करने के लिए। इसके बाद शार सभी को बताती है कि हारुटो नेक्स्ट वीक से कैपिटल पे स्कूल अटेंड करने वाला है और इस बात को सुनकर सभी लोग सरप्राइज हो जाते हैं। फ्ले यहाँ पर बोलती है, मुझे तो ये सब कुछ नहीं पता था, आखिरकार मास्टर ने मुझे क्यों नहीं बताया? शार बोलती है, फ्ले शांत हो जाओ, मुझे भी कुछ ही देर पहले पता चला, लगता है बिग ब्रो हारुटो के पास अपने रीजंस है। फ्ले बोलती है, लेकिन क्यों? उनको स्कूल जाने की क्या जरूरत है, वो इंसान उनको कुछ नहीं सिखा सकते, वो ग्रेट डेमन किंग। फ्ले जब ये बोलने वाली थी तभी वो कंकाल का बॉस फ्ले को रोक लेता है। लेकिन तभी शार बोलती है, अरे फ्ले
तुम क्या बोल रही थी? फ्ले बोलती है, कुछ नहीं, ये टॉप सीक्रेट है। टॉप सीक्रेट का नाम सुनकर शार बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है। इसके बाद कंकाल का बॉस शार को समझाने के लिए बोलता है, लेडी शार, मास्टर हारुतो आपको बहुत प्यार करते हैं। ये बिल्कुल छोटा सा सीक्रेट है जो हम जैसे मॉन्स्टर को ही पता है, और मुझे यकीन है मास्टर हारुतो आपको भी बहुत ही जल्दी बता देंगे। इसके बाद शार बोलती है, ठीक है फिर, एक बार फिर से हम लोग मीटिंग में वापस आते हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है, बिग ब्रो हारुतो स्कूल क्यों जाना चाहते हैं? एक बार मैंने बिग ब्रो हारुतो को पूछा था कि ये स्कूल क्या है, लेकिन बिग ब्रो हारुतो ने बोला था स्कूल एक ऐसा जगह है जहाँ पर खतरनाक चीजें होता है। खतरनाक चीजों का नाम सुनकर वो सभी सरप्राइज हो जाते हैं। कंकाल का बॉस बोलता है, क्या खतरा हमारे ग्रेट मास्टर हारुतो के लिए भी? इसके बाद शार बोलती है, मैंने एनीमे देखकर जो सीखा है, स्कूल पे हमेशा एक हिडन स्टूडेंट काउंसिल होता है और वो लोग स्टूडेंट्स को एविल के पैथ में ले जाते हैं और उन लोगों के रास्ते में जो आता है वो लोग उन लोगों को हटा देते हैं। और लगता है बिग ब्रो हारुतो ने इसलिए स्कूल पे जाने का डिसाइड किया है। वो स्कूल पे जाकर ब्लैक नाइट के फॉर्म पे उस एविल ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करेंगे। इन सब बातों को सुनकर वो सभी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। फ्ले बोलती है, हाँ बिल्कुल यही होगा, ऐसे एविल ऑर्गेनाइजेशन को हमारे मास्टर के बिना और कोई नहीं हैंडल कर सकता। इसके बाद शार बोलती है, ये कोई छोटा मिशन नहीं है, मैं जानती हूँ बिग ब्रो हारुतो अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करके कैपिटल पे बहुत ही इजीली जा सकते हैं और हम लोगों को भी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद लीजा बोलती है, क्या हम लोगों को सर हारुतो को इन्फॉर्म करना चाहिए? शार बोलती है, इतने छोटे मामले की वजह से हम लोगों को बिग ब्रो हारुतो को बताने की कोई जरूरत नहीं है। और उसके साथ साथ फ्ले और कंकाल मॉन्स्टर शार की इस बात में एग्री भी करते हैं। और इसके बाद उन लोगों का मीटिंग खत्म होता है। मीटिंग खत्म होने के बाद रात को लीजा हारुतो के कमरे पे आती है और मीटिंग में जो भी हुआ है उन सब के बारे में हारुतो को रिपोर्ट करती है, और हारुतो लीजा को इसके लिए थैंक्स भी बोलता है। हारुतो ये पर सोचता है, शार और फ्ले अगर अकेले कैपिटल की स्ट्रीट में घूमेंगे तो ये उन लोगों के लिए बहुत ही खतरे वाली बात हो सकता है। लेकिन सुनकर लग रहा है कि शार इसको बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रही है, लगता है मुझे चीजों को कंट्रोल पे रखना पड़ेगा। इसके बाद लीजा बोलती है, सर हारुतो क्या आप सच में उस ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ लड़ने वाले हैं? इसको सुनकर यहाँ पर हारुतो थोड़ा शॉक हो जाता है। इसके बाद हारुतो सोचता है, क्या लीजा ने भी शार की स्टोरी के बारे में विश्वास कर लिया? हारुतो इसके बाद सोचता है, शायद मुझे इसके बारे में उसको कुछ एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। इसके बाद हारुतो झूठ बोलकर बोलता है, हाँ तुमने सही बोला, मुझे इसके बारे में कुछ करना ही पड़ेगा, मुझे तुम्हारा हेल्प चाहिए, तुम्हें मेरे साथ कैपिटल पे आना पड़ेगा। इसको सुनकर लीजा थोड़ा सरप्राइज हो जाती है। हारुतो उसके बाद बोलता है, मैं तुम्हें बाद में डिटेल्स दे दूंगा, क्या तुम मुझे हेल्प करोगी? लीजा बोलती है, आपका इच्छा सर आंखों पर। इसके साथ साथ ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है और हारुतो को एक सर्वेंट भी मिल जाता है। इसके बाद फाइनली अगर हारुतो का वक्त आ जाता है कैपिटल पे जाने का। जाने से पहले यहाँ पर शार हारुतो को अपने मिशन के लिए ऑल द बेस्ट भी बोलती है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर लीजा जा रही है, ये देखकर फ्ले बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट होती है। इसके बाद वो लोग जाने लगते हैं। इसके बाद हम लोग को क्वीन के पैलेस में ले जाया जाता है। हम लोग को देखने को मिलता है प्रिंसेस मारियन प्रिंस लायस के कमरे पे एक लेटर लेकर आई थी। मारियन बोलती है, लायस तुम्हें ये देखना चाहिए। लायस बोलता है, इस लेटर में तो यही है ना कि हारुतो कैपिटल पे आ रहा है, तुम्हें हर चीज की रिपोर्ट देने की कोई जरूरत नहीं है। प्रिंसेस मारियन बोलती है, तुम हारुतो की यहाँ पर आने की वजह से बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे तो इसलिए मैं ये लेटर लेकर तुम्हारे पास आई। प्रिंस लायस बोलता है, मैं उसके स्ट्रेंथ के पीछे असली कारण जानना चाहता हूँ। पिछली बार से मैं अपने मैजिक और शोर्समैनशिप को और भी ज्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं जितना इम्प्रूव कर रहा हूँ वो मुझसे और भी ज्यादा आगे निकल जा रहा है। तो अगर हम लोगों ने एक ही स्कूल अटेंड किया तो मैं उसके और भी करीब जा पाऊंगा और उसकी स्ट्रेंथ के पीछे असली वजह जान पाऊंगा। इसके बाद प्रिंसेस मारियन बोलती है, लगता है पिछली बार के हार ने तुम्हें पूरी तरीके से चेंज कर दिया। इसके बाद प्रिंस भी बोलता है, तुम्हारे बारे में क्या ख्याल है, तुमने तो फादर के पास से भीख मांगी थी इस रिकमेंडेशन लेटर के लिए। इस बात को सुनकर प्रिंसेस मारियन बहुत ही ज्यादा ब्लश करने लगती है। प्रिंसेस मारियन इसके बाद बोलती है, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? प्रिंस बोलता है, क्या तुम मजाक कर रही हो, सभी जगह रूमर फैल गए हैं, तुम अभी उससे और भी ज्यादा अटैच हो चुकी हो। तब इसके बाद प्रिंसेस बोलती है, ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि उसके लिए मेरे पास कुछ स्पेशल फीलिंग्स है। ये बात सुनने के बाद प्रिंसेस लायस और उसके साथ साथ प्रिंसेस मारियन भी थोड़ी देर साइलेंट हो जाते हैं। इसके बाद प्रिंस बोलता है, मैंने ये नहीं बोला कि तुम्हारे अंदर उसके लिए स्पेशल फीलिंग्स है। इसके बाद प्रिंसेस मारियन और भी ज्यादा ब्लश करने लगती है। इसके बाद प्रिंस लायस बोलता है, जो भी हो, मैंने सुना कि तुम आजकल बहुत ही ज्यादा बिजी हो, मैंने सुना कि स्कूल के आसपास कुछ अजीब लोग घूम रहे हैं। प्रिंसेस मारियन बोलती है, तुम उसके बारे में जानते हो, वो लोग चर्च लूसीफेरा से हैं, और सुनने को मिला है उन लोगों का मेन रीजन है डेमन किंग को ओवरशिप करना, और वो लोग सिर्फ स्कूल पे ही नहीं, वो लोग पूरे होल किंगडम पे है। और उसके साथ साथ और भी एक मेजर प्रॉब्लम है, वो लोग किंगडम के लोगों को भी इसके बारे में उकसा रहे हैं और रॉयल फैमिली के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। और सुनने को मिला है कि कुछ कुछ नोबल्स ने
उनको फाइनेंशियल तरीके से भी हेल्प किया है। इसके बाद प्रिंस लायस भी बोलता है, और रूमर है कि ये सारे पैसे हमारी मदर की तरफ से आ रहा है। सही कहा ना मैंने, मुझे कोई भी आइडिया नहीं है मदर क्या कर रही है। वो अचानक से 5 साल पहले पूरी तरीके से चेंज हो गई। वो इवन मुझे भी कुछ नहीं बता रही है, और उनके गले पे जो चेन है उसके बारे में भी किसी को कुछ नहीं पता। अगर मैं ऑनेस्टली बोलूं, मुझे अपनी मदर से बहुत ही डर लगता है। मैं हमेशा से जानता था वो कुछ भी कर सकती है, लेकिन अभी वो और भी ज्यादा एक्सट्रीम हो गई है। और किंगडम के चारों तरफ क्वीन और किंग के अलग होने का न्यूज फैल गया है। मैं ये विश्वास नहीं करना चाहता, लेकिन क्या तुम्हें लगता है मेरी मदर फादर को मारने की कोशिश कर रहे हैं? हम लोग को ऐसे वक्त में क्या करना चाहिए? इसके बाद प्रिंसेस मारियन बोलती है, मुझे यकीन है सिर्फ एक ही पर्सन इसको सुलझा सकता है, और हो सकता है वो हारुटो हो। प्रिंसेस लायस बोलता है, क्या हारुटो? प्रिंसेस मारियन बोलती है, हाँ मुझे लगता है हम लोग उससे कुछ होप कर सकते हैं। उसके पावर लिमिटलेस है, मुझे लगता है उसका स्ट्रेंथ ऑर्गेनाइजेशन को भी मिटा सकता है। इसके बाद प्रिंस लायस बोलता है, और हाँ मैंने सुना है कि लॉर्ड ज़ेनफिस के एरियर में एक ब्लैक नाइट नाम का बंदा देखने को मिला है, और उसने रिसेंटली ब्लू ड्रैगन को भी हराया है। शायद हम लोग उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को मिटाने के लिए। और प्रिंस लायस जब इसके बारे में बात कर ही रहे थे, तभी क्वीन ये सब कुछ पीछे से सुन रही थी। इसके बाद क्वीन धीरे धीरे कमरे के अंदर आती है। क्वीन को देखकर यहाँ पर वो दोनों ही शॉक हो जाते हैं, लेकिन तभी अचानक से क्वीन प्रिंसेस मारियन का गला पकड़ लेती है। प्रिंसेस मारियन यहाँ पर दर्द से चिल्ला रही थी। इसके बाद क्वीन बोलती है, तुम किसकी तरफ देख रही हो? क्या तुम मेरे गले पे उस बेरियो की तरफ देख रही हो? क्या तुमको ये फनी लग रहा है? क्या तुम मेरे लिए दुखी हो रहे हो? तुम भी दूसरे लोगों की तरह ही हो, मेरे पीछे मेरे ऊपर हंसते हो। यहाँ पर प्रिंस लायस अपनी मदर को रोकने के लिए बोलता है, लेकिन क्वीन नहीं रुकता। इसके बाद क्वीन प्रिंस लायस की तरफ देखता है। इसके बाद क्वीन बोलती है, तो मैंने क्या सुना, लॉर्ड ज़ेनफिस का बेटा कल स्कूल अटेंड करने वाला है? लेकिन ये मत सोच लेना कि मैं छुप छुप कर सुन रही थी, ये सिर्फ कोइंसिडेंस था। वो कंट्री साइड से आ रहा है, तो वो इस प्लेस से काफी अनफैमिलियर होगा। अच्छा होगा तुम उसके साथ दोस्ती कर लो, और तुमको सब कुछ पता करना होगा इस ब्लैक नाइट के बारे में। तुम समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? और इसको एक सीक्रेट रखना, एक भी इन्फॉर्मेशन अगर लीक किया तो तुम्हें अच्छी तरीके से पता है क्या हो सकता है। तुम मेरे बेटे हो, ये तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं हो सकता, है ना? तुम्हारा जवाब क्या है? प्रिंसेस लायस से पर बहुत ही ज्यादा डर चुके थे, और वो डरते डरते बोलते हैं, ठीक है मॉम। इसके बाद जाते जाते क्वीन यहाँ पर प्रिंसेस मारियन को बालों पे पकड़ कर घसीट के वहाँ से लेकर जाती है। जाने के बाद यहाँ पर प्रिंस सोचता है, ये मैंने क्या कर दिया, मैं यहाँ पर हारुटो को खींच कर लेकर आया, मुझे माफ कर देना हारुटो, मुझे माफ कर देना। और दैट्स इट फॉर द एपिसोड नंबर 7। तो एपिसोड नंबर 7 तुम लोगों को कैसा लगा ऑब्वियसली कमेंट करके बताओ, एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो गाइस मिलते हैं और एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।